नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत इंग्लैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट के बारे में, जहां पर टीम इंडिया की हालत तो खराब है, लेकिन फिर भी जीत होती तो भारतीय टीम की, वरना ड्रॉ होगा ये मैच। दोस्तों, आपको बताएंगे कैसे टीम इंडिया इस मैच को जीतेगी और कैसे अश्विन और सुंदर करेंगे चमत्कार। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। वही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं टीम इंडिया पहले टेस्ट को जीते तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चेन्नई टेस्ट बेहद ही रोमांचक मोड पर पहुंच गया है। आज तीसरे दिन टीम इंडिया ने इंग्लैंड के बचे दो विकेट तो जल्दी ले लिए, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने 578 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाने में कामयाब हो गई। तो ऐसे में इंग्लैंड के इस पहाड़ में टीम इंडिया के बल्लेबाज शुरुआत से ही दबे नजर आए। टीम इंडिया के सबसे बड़े उम्मीद रोहित शर्मा, जिनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, वे मात्र 6 रन बनाकर चलते बने और इस तरह टीम इंडिया को खराब शुरुआत मिली। रोहित के जाने के बाद शुभमन गिल और पुजारा ने पारी को संभालने की कोशिश की और टेस्ट मैच में रुक कर खेलने के बजाय अटैकिंग रुख अपनाते हुए गिल ने अंग्रेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वे भी 28 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, दो झटके लगने के बाद भी टीम इंडिया को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी कोहली, रहाणे जैसे दिग्गज आने बाकी थे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से अंग्रेज गेंदबाजों के सामने घुटने टेके, उससे भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। कोहली जहां 11 रन बनाकर आउट हो गए, तो रहाणे महज 1 रन ही बना पाए और इन्हीं के खराब प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम दबाव में आ गई, जब 73 रन पर ही टीम इंडिया के 4 विकेट गिर गए। ऐसे में दोस्तों, पुजारा और ऋषभ पंत ने टीम की डूबती नैया को संभाला और 5वें विकेट के लिए ताबड़तोड़ 119 रनों की साझेदारी करके भारतीय टीम की लाज बचाई, वरना इन दिग्गजों के भरोसे तो टीम इंडिया 150 रन पर ही सिमट जाती। दोस्तों, पंत ने जहां 91 रन बनाए, तो पुजारा ने 73 रन। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज भी अपनी पारी को एक बड़े स्कोर में बदल नहीं पाए और आउट हो गए। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में जीत के हीरो रहे रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी फिर से आ गई है। दोस्तों, ये दोनों बल्लेबाज अभी अंग्रेज गेंदबाजों का सामना बखूबी कर रहे हैं और आज दिन का खेल खत्म होने तक इन दोनों ने एक भी विकेट नहीं गिरने दी। सुंदर जहां 33 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो अश्विन 54 गेंदों का सामना करके 8 रन बनाए हैं। अब दोस्तों, कल सुबह इन दोनों ही बल्लेबाजों पर पूरी जिम्मेदारी रहेगी भारतीय टीम को मुश्किल से निकालने की। भारत ने अभी 6 विकेट पर 257 रन बना लिए हैं और टीम इंडिया को फॉलो ऑन से बचने के लिए अभी 379 रन बनाने हैं। वैसे दोस्तों, हम सभी ने इन दोनों बल्लेबाजों की काबिलियत को जान चुके हैं। जब तक ये क्रीज पर खड़े हैं, भारतीय टीम इस मैच को आसानी से ड्रॉ करा लेगी, क्योंकि अभी 2 दिन का खेल और बचा है। तो ऐसे में इस मैच को भारतीय टीम जीत नहीं सकती, लेकिन ड्रॉ करा सकती है। और अश्विन ऐसे बल्लेबाज हैं जो 50 ओवर अकेले खेलने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कल सुबह भी ये दोनों बल्लेबाज अंग्रेज गेंदबाजों को खूब थकाएंगे और मैच को भारतीय टीम के पक्ष में मोड़ने में कामयाब होंगे।